तो ये दिन ऐसा है कि सारी दुनिया उनको याद करती है और हम लोग तो उनके गाने गा के याद करते हैं। सिंगर्स का ही काम है, किसी को याद करो तो उनका गाना गा के याद करो। लेकिन हमने उनका ये वीडियो बना के याद किया, इसकी शूटिंग हमने कोचीन में की जाए, एक हाउस बोट पे शूटिंग की। आप देखेंगे आपको बड़ा खूबसूरत लगेगा। और वहाँ पूरा दिन हम लोग रहे, रात को रहे, रात की भी शूटिंग की, दिन की भी की। और प्रीति जी ने गाया तो है ही अच्छा, उस वीडियो में लगी नहीं है कमाल की, इंडियन तो लगी नहीं रही, लग रही है कोई अमेरिकन या यूरोपियन कोई खूबसूरत महिला। तो इसको आप ज़रूर देखें और हम सबको आशीर्वाद दें, क्योंकि हमने ये इसीलिए बनाया है कि इसको जो हमने टाइटल दिया है वो हमारा मकसद आप समझ गए होंगे कि जगजीत अमर कर दो। जब तक ये कायनात रहे, जब तक ये सूरज चांद रहे, जब तक ये धरती रहे, तब तक जगजीत सिंह से का नाम रहे और उनका नाम भी रहे, साथ साथ उनके गाने भी अमर रहे, लोगों को गुनगुनाएं। नए सिंगर्स जो अपना करियर बनाना चाहते हैं वो उनके गाने गाएं, उससे वो आगे आएं। प्रीति जी कुछ कहें जी। मेरा बहुत सौभाग्य है क्योंकि मैं एक ट्रिब्यूट देना चाहती थी फॉर अ लेजेंड विद अ लेजेंड, सो वो मेरा ड्रीम पूरा हुआ है। आई एम सो हैप्पी और बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ कि अनूप जी ने साथ दिया है और जगजीत जी के लिए ये ट्रिब्यूट है। तीन गानों को हमने एज अ मैशअप, एज अ मेडली साथ में गाया है और आई होप तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुमको से तुमको देखा और मुखों से तीन गाने से। और आप वीडियो के एंड में देखेंगे कुछ थोड़ा सा इन्होंने शरारत किया सर, अगर स्पेशल कुछ सर अगर गाने के बारे में बात करें, सोलफुल गाना है। जब पहली बार मैम ने आपको बताया कि जगजीत सर को ट्रिब्यूट देना है, क्या रिएक्शन था और कैसे ऑन बोर्ड आए और क्या कुछ हुआ और मैशअप करने का कैसे सोचा आप लोगों ने, अगर उस बारे में कुछ बताया। प्रीति जी और इनके हस्बैंड दीपू जी, वो दोनों मुझे मिले पार्टी में और ऐसे ही कहने लगे कि मुझे मन है कि इस ट्रिब्यूट इस बार किया जाए। मैंने कहा बिल्कुल करिए, क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए और उसमें आप भी गाएं, बिल्कुल तैयार रहते हैं इनके साथ हमेशा ही कुछ काम करने के लिए। तो जब इन्होंने उसका ट्रैक बनाया सब किया तो फिर मैं उसमें डबिंग करने गया, तो रिकॉर्डिंग करते ही मुझे लग गया था कि ये जो भी सुनेगा उसको बहुत आनंद आएगा, क्योंकि इन तीनों गानों में ये ख़ास बात है कि एक साथ पिरो दिए गए, पहली बात तो। दूसरी बात ये कि लोगों को तो ये तीनों गाने पसंद हैं, ये भी हो सकता है कुछ लोगों को पहला पसंद हो, किसी को दूसरा, किसी को तीसरा। यहाँ चक्कर ये है कि जगजीत सिंह के ये तीनों गाने हर एक को पसंद है, तो सोचिए जरा कि व्यूअरशिप कितनी हो जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी। और फिर जिस तरह से इसको हम लोगों ने पिक्चराइज किया, बड़ी शराफत से पिक्चराइज किया बता दें, क्योंकि गाने जो हैं बड़े सोलफुल हैं, सूदिंग हैं, तो इसमें कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते हम लोग। तो हमने बड़ी डिस्टेंस मेंटेन करते हुए बड़े प्यार से इसको शूट किया है और बस हम लोग देखें, इसका मज़ा लें और सुकून महसूस करें और जगजीत सिंह साहब को याद करें, बस यही मकसद। जी सर, किस तरह का बॉन्डिंग शेयर करते थे आप जगजीत सिंह सर के साथ और जिस तरह का नाम आप लोगों ने एक्सचेंज किया था, अगर उस मेमोरीज के बारे में, उस यादों के बारे में अगर कुछ शेयर करना चाहे ऑडियंस के साथ। वो मुझे कहते थे भजन जलोटा और मैं उन्हें कहता था गजल सिंह, बहुत मुझे प्यार करते थे। इस घर में भी कई बार आए हैं, हमारे घर में मैं उनके घर गया हूँ,
कई महफिलें करी, प्रोग्राम किए, लंदन में भी कॉन्सर्ट किए हमने साथ ही। बहुत बड़े आर्टिस्ट और बहुत प्यारे इंसान, उनकी जिंदगी के आखिरी जो दो दिन थे वो दोनों दिन मैं उनके साथ था देहरादून में। एक प्रोग्राम था, पहले दिन मेरा, दूसरे दिन उनका। मैंने उनको इनवाइट किया था कि दूसरे दिन आप भी यहाँ प्रोग्राम कर दीजिए, तो कहते ठीक है मैं आता हूँ, और एक दिन पहले आ गए। एक्चुअली गलती से आए थे, आके उन्होंने कहा आज मेरा प्रोग्राम, मैंने कहा नहीं आज तो मेरा है, कल आपका। तो कुछ ऊपर वाला ये चाहता था कि ये दो दिन साथ रहे, तो दोनों दिन हम साथ रहे, खाए पिए, मज़े किए। उन्होंने मेरा प्रोग्राम सुना, मैंने उनका सुना, और उसके बाद तीसरे दिन हम बम्बई आए, और रात को उनको ब्रेन हैमरेज हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, बस फिर बाहर नहीं आए। तो ज़िंदगी के आखिरी दो दिन मैंने उन्होंने साथ गुजारे, मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ वो एक एक पल। खैर, उनको जाना था वो चले गए, लेकिन जो कुछ वो हमें दे गए हैं वो हमारे साथ ज़िंदगी भर रहने वाला है। वो नगमे, वो आवाज़, उस सोच भरी आवाज़, उस सुरीलापन, वो व्यक्तित्व, वो सब हमारे साथ रहेगा, हमेशा रहेगा। सर, सॉन्ग रिकॉर्डिंग कर रहे थे तभी इमोशनल हुए इस बात को लेके कि आज जगजीत सर हमारे बीच में नहीं है? हाँ, मैं बीच में दो बार ऐसा हुआ था कि मैंने गाना बंद कर दिया, तो लम्हे ऐसे आए थे कि मेरी आवाज़ चोक हो गई थी, फिर मैंने थोड़ी देर आराम करके फिर रिकॉर्डिंग की। कहीं कहीं आपको शायद इसमें लगेगा कि चोक हुआ, तो कोई बात नहीं, हम उनके जैसा थोड़ी गा सकते हैं, हमने तो अपने ढंग से गाया है। लेकिन इतना ही कहूँगा कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो हमसे ये जवानी, मगर हमको लौटा दो जगजीत वापस, वो गजलें रूहानी, वो शामें सुहानी। क्या जो ना लाइट नोट, जो लोकेशन हम लोग देख रहे हैं वो काफी इम्प्रेसिव है, यू नो, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे। वाज इट प्लान की वहाँ पे शूट करना है कि अचानक से कुछ आइडिया आया? नहीं, हमने बकायदा से प्लान किया था। ये बैकवाटर्स ऑफ एलुपी है केरला में, क्योंकि गाना ही इतना सूदिंग है तो लोकेशन भी उस तरह का चाहिए था। सो वी थॉट ऑफ दिस लोकेशन एंड एक हाउस बोट हमने हायर की, विच इज एक्चुअली स्पाइस रूट्स लग्जरी क्रूज। ज्यादा बड़ी थी, 6 बेडरूम जी, बट अ वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन, और बैकवाटर्स में वो चल रही थी और हम शूट कर रहे थे और बहुत टेस्टी सी फूड खा रहे थे। इतनी बड़ी बोट थी कि अगला लॉन्च भी वहीं वहीं करेंगे बोट पे। नहीं, अब दूसरा लेंगे, अगला कहीं और करेंगे, कुछ लॉन्च वहाँ करेंगे उसी बोट पे। मैम, अगर एक रिकॉर्डिंग का और शूटिंग के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही सुंदर रहा। सबसे पहले तो इन्होंने मुझे सरप्राइज़ किया जब डब कर रहे थे, जब रिकॉर्ड कर रहे थे। गाना आप देखेंगे वीडियो में, एक एक लाइन आती है। मेरा गीत अमर कर दो, फिर गाते बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीति अमर कर दो। और वहाँ ही सबसे पहला सरप्राइज था, उन्होंने ये दिया। So that was a very, very special moment for me. And yeah, of course, beautiful memories of the shoot, of the recording, and सबसे बड़ी बात है ये जगजीत जी के लिए ट्रिब्यूट है, जो यू नो इट्स फ्रॉम आर हार्ट। आई एम रियली रियली हैप्पी कि आज ये पूरा हुआ। ये और भी कुछ प्लान्स हैं सर के साथ आने वाले टाइम? हमने सुना है कि बहुत सारे शोज वगैरह भी यू गाइस आर प्लानिंग, उसके बारे में भी यू कैन? यस यस, एब्सोल्युटली, हम शोज भी प्लान कर रहे हैं और वीडियो भी प्लान कर रहे हैं। सर, जगजीत सर के जाने से एक बहुत बड़ा खालीपन आ गया है गज़ल की दुनिया में, और आपने एक बहुत ही परफेक्ट, बहुत अच्छा ट्रिब्यूट दिया है। हम चाहते हैं कि आगे आप कंसर्ट या बाकी सब चीज़ें भी आप ज़रूर करें और लोगों को ज़रूर, हम
इसको कंटिन्यू रखेंगे, लोग वीडियो भी देखते रहेंगे हम लोग के और कॉन्सर्ट्स भी. ऑलरेडी इनफैक्ट प्लान हो रहा है, इंडिया भी अब्रॉड भी साथ में काफ़ी चर्चा हो रहा है, बस सब फाइनलाइजेशन पे है विद योर ब्लेसिंग्स. आखिर में अनूप सर क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से ऑडियंस को, जगजीत सर के फैंस और आपके फैंस के लिए? मेरे फैंस के लिए तो ये कहना चाहूँगा कि इतने सालों से आप हमें झेल रहे हैं तो आपको उसके लिए शुक्रिया. और जगजीत साहब के फैंस के लिए यही कहना है कि सारी दुनिया उनकी फैन है, आप लोग भी हैं. यही म्यूजिक है जो जिंदगी भर साथ निभाता है, आप हमेशा इसको सुनेंगे और यही म्यूजिक है जो दिल को सुकून देता है. तो ये म्यूजिक हमारा सच्चा दोस्त है, सच्चा साथी, इसे अपने साथ रखना है. और सर अगर एक दो लाइन अगर प्लीज गाने के लिए. हाँ, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो. थैंक यू. होटों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर लो, बन जाओ नींद मेरे, मेरी प्रीति अमर कर दो, संगीत अमर कर दो, जगजीत